आईपीएल का सट्टा खिलाते हुए इंद्रजीत यादव को किया गिरफ्तार, 25 लाख का मिला ट्रांजैक्शन। खबर शिवपुरी के लुकवासा चौकी से है। यहां हम आपको बता दें कि लुकवासा पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि देहरदा तिराहे पर युवक सट्टा खिला रहा है, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक के चंगुल से मोबाइल फोन और 25,000 रुपये नकदी मिले हैं। जानकारी के अनुसार इंद्रजीत पुत्र नीलम सिंह यादव, उम्र 30 साल, निवासी दौलतपुर थाना इंदार, देहरदा तिराहे पर आईपीएल का सट्टा खिला रहा था। तभी मुखबिर की सूचना पर लुकवासा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और इंद्रजीत यादव को गिरफ्तार किया। वहीं इंद्रजीत के पास से एक रियलमी कंपनी का मोबाइल, जिसकी कीमत लगभग 14,000 रुपये बताई जा रही है, वहीं 25,000 रुपये नकदी जब्त किए गए। बताना होगा कि इंद्रजीत के मोबाइल में लगभग 25 लाख का आईपीएल का सट्टे का ट्रांजेक्शन मिला है। पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। सर जी, आज आईपीएल की कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई की गई है, कहां से क्या आरोपी पकड़े गए? कल रात्रि लगभग 10 बजे के मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति देहरदा पुल के पास में बुढ़े रास्ता के रात्रि में आईपीएल सट्टा चला रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में मुखबिर सूचना ने उसको पकड़ा था। ग्राम दौलतपुर का इंद्रजीत पुत्र नीलम सिंह यादव, जिसके विरुद्ध सट्टा एक्ट की कार्रवाई की गई है। से आरोपी से मोबाइल जब्त किया है। मोबाइल में उसने करीब लगभग 25 लाख का ट्रांजेक्शन था, तो नकदी 25,000 रुपये की राशि जब्त की गई है।